what's up and welcome back to my channel. So today I'm back with another lot of clothes जिन्हें किसी ने rating छोड़ो review तक भी नहीं किया है. And I understand जब किसी भी product को online review या rating नहीं मिले होते ना तो थोड़ा सा ऐसे difficulty हो जाती है informed decision बनाने में कि ये चीज़ सही भी है या नहीं, इसे खरीदे या ना खरीदे, but फिर मैं किस चीज़ के लिए हूँ. तो मैंने इस टाइम बहुत ज़्यादा वाले outfits मंगवाए Urbanic से जिन्हें कोई review नहीं दिए गए, बेचारे ऐसे ही online घूम रहे हैं इधर उधर. एंड ये वैसे मैंने ना एक महीने पहले मंगवाए थे, आज आए ये, बट कोई बात नहीं, इसे ओपन करते ये बहुत हैवी है, LSC की ये बहुत ही हैवी है. नहीं हेलो मैम, नहीं मैम आज मैं अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए नहीं आ पाऊंगी, बहुत बारिश हो रही है, मेरा इतना सुंदर आउटफिट गीला हो जाएगा ना. भाई साहब ये क्या ड्रेस बनाई है इन्होंने, दिस इज अ टॉप एंड अ स्कर्ट सेट, मैचिंग सेट. एंड ये लिटरली पैकेट में ना एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के आए हुए थे, ये अजीब सा फैब्रिक है, बहुत ही चिप्पी चिप्पी सा. ये बैकलेस में है, वैसे फिटिंग प्रॉपरली आई है मेरे को, बट ये पता कैसी वाली वाइब दे रही है, जो स्कूल के एनुअल फंक्शन में पीछे बैक डांसर्स नहीं होते ऐसे चमकीले धमकीले से आउटफिट्स बना के, लाइक या इट्स अ कॉस्ट्यूम, इट्स नॉट अ ड्रेस, बट या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे इन्होंने ऐसे गोटा भी लगा रखा है सिल्वर में, जो कि यहीं पे खत्म हो जाता है. ऑल्सो ये 1240 रुपए का, कैन यू बिलीव इट, आई थिंक वी कैन डेफिनेटली डू समथिंग बेटर देन दिस इन दैट प्राइस, ट्रस्ट मी. लेकिन मैं कौन होती हूँ जब हमारे पास घर में तक क्यूट लिटिल फैशन एक्सपर्ट है. तो इना आपको सोनिया दीदी का आउटफिट कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? आपने मेरे को देखा भी नहीं. ओके सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैंने बहुत ही प्रीटी वाली वो कॉकटेल ड्रेस मंगवाई है इन 1540 रुपीज. ओके सो साइज वाइज सबसे छोटा जो साइज इनके पास अवेलेबल था वो था स्मॉल, तो मैंने वही मंगवाया है, बट स्टिल मुझे ये बहुत लूज है बस्ट एरिया से, तभी मैंने इसे ऐसे पकड़ रखा है. एंड ऑल्सो मैंने ना फोटो में चेक किया तो जो ये बो है ना उनके मिडल में इन्होंने ऐसे बेल्ट टाइप कुछ दे रखा है पार्टीशन, जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि ना वो बो है. तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि ये बो है या फ्लावर है, तो या वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है. और प्लस ये लूज बहुत ज्यादा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लंबी भी लग रही है मेरे पे, तो या थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशंस करके ये थोड़ी सी सही लग सकती है. प्लस ये बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस है, मतलब मटेरियल काफी अच्छा यूज कर रखा है इन्होंने, तो इस प्राइस में इट्स क्वाइट गुड, थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस एंड यू विल जस्ट रॉक द पार्टी. नेक्स्ट मैंने बहुत ही मजेदार चीज मंगवाई है, वो है ये फॉल लेदर शॉर्ट. ये यहाँ से रिप्ड है, वैसे रिब नहीं है, पूरे फटे ही हुए हैं, जो कि तुम DIY भी कर सकते हो घर पे, यू आर वेलकम. ये वाला स्टाइल कुछ लोगों के लिए वियर्ड या फनी हो सकता है, बट आई डोंट नो, पहनने के बाद मुझे बहुत ही फन लग रहा है, बहुत ही ऐसी ग्रंजी डार्क एस्थेटिक वाइब आ रही है. प्लस गर्मी में ना ये चिपक भी नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के अंदर ना इन्होंने एक अलग सा मटेरियल दे रखा है विच इज नॉट स्टिकिंग टू द स्किन, गुड जॉब, बहुत ही थॉटफुल. ऊपर जो ये टॉप है ये इसके साथ नहीं आया है, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये अराउंड 600 रुपीज का पड़ा है मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, क्योंकि थोड़ा सा कैटी वाइब दे रहा है, इसके साथ जा भी रहा है. एंड हाँ ये शॉर्ट्स 1400 के अराउंड समथिंग है, पहनने के बाद अच्छा लग रहा है, फिट भी अच्छा है, तो आई थिंक मैं इसे बहुत चला लूंगी. आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग. आई ऑल्सो ऑर्डर्ड दिस रूज बॉडीकॉन ड्रेस, ये स्टाइल मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मैंने ऐसे वाला स्टाइल में ड्रेस कभी भी नहीं पहनी है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे ही उन्होंने वेबसाइट पे दिखाया ये सेम वैसी ही आई है मुझे, तो थोड़े से ना ऐसे खुशी सी और बढ़ जाती है पहनने के बाद. प्लस फिट भी ये बहुत अच्छे से आई है, ये साइज स्मॉल में है एंड ये अराउंड मुझे 1150 की पड़ी थी. प्राइजेस कीप चेंजिंग बिकॉज सेल, डिस्काउंट, बहुत ज्यादा चीजें ना चलती रहती है उनकी ऐप एंड वेबसाइट पे. बट या ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है, लेकिन इसमें एक कंसर्न मुझे ये है कि जब मैंने इसे खोला लाइक पहनने के बाद भी एक बलून जैसी स्मेल आ रही है, जैसे बलून की नहीं आती प्लास्टिक रबरी टाइप सी, वैसी वाली स्मेल फ्रेग्रेंस व्हाटएवर वो आ रही है. बट कोई बात नहीं, हम इसे वॉश कर लेंगे और फिर हम बहुत ही प्रिटी लगेंगे, है ना, कितना क्यूट है ये. नॉट गोना लाई, आई एम अ लिटिल बिट इम्प्रेस्ड, जस्ट लुक एट दीस पैंट्स, या फ्लोरल प्रिंट में बहुत ही ज्यादा समर एप्रोप्रिएट, मस्त कलर भी लग रहा है एंड इसका फिट भी बहुत ही अमेजिंग है. एंड ऐसे वाले पैंट्स ना तुम ढूंढने जाओ मिलते नहीं है पहली बात तो, और अगर मिलते भी है तो फिर वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं. एंड ये मेरे को अंडर 1000 रुपीज में पड़ गए हैं बिकॉज आई हैड लाइक कूपन्स और व्हाटएवर. तो या बहुत ज्यादा डिसेंट प्राइस. एंड पता नहीं लाइक यहाँ से मुझे थोड़ी सी इल फिटिंग है, ऐसे बलून टाइप सा लग रहा है ये, आई गेस इज जस्ट माई बॉडी स्ट्रक्चर, मेरे पे ये ऐसे लग रहा है, बट ओवरऑल फिटिंग तो इसकी परफेक्ट है. तो या ये समर विंटर्स दोनों में बहुत चलने वाले हैं. नेक्स्ट वी हैव अ रियली प्रिटी कलर वाला ब्लू ड्रेस, इसको पहनने में इतनी ज़्यादा मशक्कत हुई है मैं बता नहीं सकती. मेरे को लगा था ये बहुत इजीली फिट हो जाएगी, बट इसको एज अ टॉप ही मुझे पहनना पड़ा है. एंड जैसा कि तुम देख सकते हो इसका फिट बहुत ही ज़्यादा टाइट फिट है, तो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है. लेकिन अब पहनने के बाद तो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही है, तो मैं वो सारी टेंशनें भूल गई हूँ जो कि मुझे आई थी इसे पहनते वक्त. एंड इसका कलर भी बहुत प्रिटी है, इसका फैब्रिक है सुपर सॉफ्ट, या जैसे टाल का फैब्रिक नहीं होता, सिमिलर टाइप सा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है.
आई डोंट नो ये स्मॉल साइज में भी मुझे क्यों इतनी ज़्यादा टाइट फिटिंग आ रही है. आई गेस मुझे बहुत ही पसीना आ रहा है तो ये ज़्यादा चिपक रहा है मेरी बॉडी पे. वैसे ये 1000 rupees के अंडर ही मेरे को पड़ी है. क्वाइट नाइस बट ऐसे वाले डिज़ाइन एंड ड्रेसेस आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो या 50-50. देखा ये होता है जब रिव्यूज नहीं होते ना, गलती से विंटर वाले पैंट्स आ गए हैं यार. ये वुलन मटेरियल पे बट ये कितने क्यूट नहीं लग रहा है, ऐसे मस्त इंटरेस्टिंग वाइब आ रही है एंड ऐसा वाला कलर भी कितना ज्यादा परफेक्ट लग रहा है. लेकिन क्या तुम्हें पता है ये 2000 rupees के, यस 2000 rupees के, तो क्या वर्थ इट है इसमें इन्वेस्ट करना? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हाँ. क्यों? क्योंकि पैंट ऐसी चीज होती है उसमें तुम एक बार इन्वेस्ट कर लो ना एंड दैट टू ऑफ गुड क्वालिटी जो कि मुझे फिलहाल तो अभी लग रहा है, तो वो बहुत टाइम तक चलती है. लाइक मेरे पास बहुत पुराने पुराने पैंट्स जीन्स लाइक बॉटम्स हैं जो कि मैं अभी भी चला रही हूँ एंड उसके तुम ना बहुत ज़्यादा रीस्टाइलिंग स्टाइलिंग कुछ भी चीज़ें कर सकते हो. तो या मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं. सो आई एम गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ लुक्स आउट ऑफ दिस बट अभी से उतार देते हैं, बहुत गर्मी लग रही है यार. सो नेक्स्ट मैंने एक कटआउट बॉडीकॉन ड्रेस मंगवाई है इन पिंक कलर. तो नाम तो इन्होंने बॉडीकॉन ड्रेस दे रखा है बट जिस हिसाब से मुझे फिटिंग आ रही है ना, ये एक शिफ्ट ड्रेस ज़्यादा लग रही है. आई डोंट नो, स्मॉल साइज में कुछ चीज़ें मुझे या तो एक्सट्रीमली टाइट आ रही है कि भाई साहब हम फिट ही नहीं होंगे सोनिया पे, या फिर बिल्कुल ही लूज आ रही है. बट आई काइंड ऑफ लाइक दिस लूज फिट, बहुत ऐसे यू नो समरी वाइब दे रहा है. इतना चिपी चिपी नहीं चाहिए भाई मुझे एंड ये मुझे एकदम बहुत ही क्यूट पिकनिक ड्रेस वाइब दे रहा है. बट एट द सेम टाइम मुझे एक ये एप्रन वाइब भी दे रहा है जो हम कुकिंग करते हुए किचन में पहनते हैं. आई डोंट नो, समवेयर इन द मिडल हमें इससे काम चलाना पड़ेगा. बट ओवरऑल इट्स लुकिंग नाइस बट इसका प्राइस 1000 rupees है. आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ये अ लिटिल बिट ओवर प्राइस है क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं. बट ठीक है, इट्स अप टू यू. फॉर मी इट्स लाइक ओके, नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा काम. नेक्स्ट जो मैंने ये रेड जीन्स मंगवाई है ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, ये कम से कम मेरा फोर्थ टाइम है जो मैंने ये जीन्स मंगवाई है. नहीं, मेरे पास 3 जीन्स नहीं रखी हुई, मेरे पास एक भी जीन्स नहीं है. मैं बताती हूँ क्या हुआ था. तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर की थी ना, मुझे ये बहुत सुंदर लगे थे अपेरेंटली, चाहे तभी मैंने इतनी बार बाद में भी ऑर्डर किए. लेकिन व्हाट हैपेंड वाज, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किए तो मेरे पास अच्छी क्वालिटी वाले नहीं आए थे. मुझे लग रहा था कि ये यूज्ड है तो मैंने उन्हें रिटर्न करवा दिया था. फिर मैंने इन्हें सेकेंड टाइम दोबारा मंगवाया तो उनकी कोई स्टिचिंग प्रॉब्लम थी, वो पूरी निकली हुई थी, तो फिर मुझे वो दोबारा रिटर्न करवाने पड़े. लेकिन मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद है कि मैंने थर्ड टाइम भी जब यू नो ऑर्डर किए तो इसमें जो ये राइनस्टोन्स है ना, ये निकले हुए थे काफ़ी सारे. तो आई वाज लाइक तो मैंने एक दो महीने का गैप देने के बाद अब दोबारा ये फोर्थ टाइम मंगवाए एंड थैंक गॉड ये सही आ गए यार. लाइक ये बिल्कुल भी पुराने नहीं लग रहे. मैंने इसकी स्टिचिंग चेक की, वो भी ठीक है, राइनस्टोन्स पूरे हैं. यस, मैंने काउंट भी कर लिए एंड इसका फिट भी परफेक्ट है. तो यस, फाइनली ये पैड्स मेरे पास आ गए. यस, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थे बट हाँ, बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी है मुझे. लाइक फोर्थ टाइम में ये मुझे परफेक्टली आया तो तुम अपना इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हो. वैसे ये मुझे 1000 rupees तक की पड़ी है, बहुत सही, बिकॉज जीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती है एंड प्लस इसमें तो इतना ये सब भी कर रखा है तो ये और एक्सपेंसिव हो सकती थी बट या क्वाइट अफोर्डेबल. नेक्स्ट मैंने एक मैचिंग सेट मंगवाया है, टॉप एंड स्कर्ट. एंड ये आई डोंट नो कैमरे में पता चल रहा है या नहीं बट रियल में एंड फील करते हुए भी लाइक हमारे पुराने सोफे के कवर्स नहीं होते थे, सेम वो मटेरियल है. लाइक ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, डिट्टो वही मटेरियल का इन्होंने एज इट इज़ टॉप और स्कर्ट बना रखा है एंड इन्होंने अंदर कोई लाइनिंग भी नहीं दे रखी. तो जो ये फैब्रिक बाहर है ये सेम ही अंदर है. तो यार ये थोड़ा सा चुभ रहा है स्किन पे, लाइक ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है ये एंड ये काफ़ी लूज भी है मुझे यहाँ से. लाइक सी, इतना ये मुझे लूज़ है बट ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि मुझे इसकी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि मैं शायद ये रखूँगी नहीं. ऑल्सो 1300 rupees का, लाइक मेरी मम्मी कहती थी बेटा ये वाले सोफे के कवर रखे हैं, मैं कुछ बना दूंगी तेरे लिए. बट मैं ही कूल किड बनती थी, नहीं नहीं मम्मी आजकल सब ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, पैसे बच जाते हैं यार तब. और इसी के साथ इसी आउटफिट में और 4 चांद लगाते हुए ये स्टार सन ग्लासेस भी है. ओ माय गॉड, ये 890 rupees के हैं. फैशन गॉड्स पता नहीं अप्रूव करेंगे इस बात के लिए या नहीं, क्योंकि ये लोकल मार्केट्स में बहुत ही इजीली और बहुत ही कम प्राइजेस में मिल जाते हैं एंड अगर तुम्हारे पास लोकल मार्केट्स एक्सेसिबल नहीं है, कुछ ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे ये वाले सिमिलर थिंग बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं. अमेजोन वगैरह पे भी यार सर्च करो, मिल जाएंगे. ये थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट आई डोंट नो, इसकी क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. मुझे नहीं पता कि कम प्राइस में तुम्हें यही क्वालिटी मिलेगी या नहीं, वो तो मैं खुद ही चेक करना पड़ेगा. एंड इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया. एज यूजुअल मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट आउटफिट कौन सा था इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. आई नीड पानी. मैं थोड़ा सा रेस्ट लेकर आती हूँ, तुम भी थोड़ा चिल मारो, ठंडा पानी वानी पियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.